Hello students, my name is Sachin Sharma. I am your math teacher. Bacho, I have a total of 15 year experience of teaching mathematics. So today is my first class with the students of 10th class. So bacho, aaj main aapko 10th class ka first chapter shuru karunga. Real numbers, I hope aap dhyan se samjhenge. So we have real numbers. So what are real numbers? उसको समझने के लिए हम पीछे जो पिछले क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उसको रिकॉल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स और इट्स अनदर नेम इज पॉजिटिव इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स दैट स्टार्ट्स विद 1. एंड जैसे ही आपने इसमें 1 ऐड किया, 1 plus 1, 2, we get another natural number. तो जैसे ही आपने इसमें 1 add किया, we get another natural number and so on. तो बच्चों, these numbers are natural numbers, its another name is positive integers. हम इनको curly bracket में रख रहे हैं, तो इसका एक special symbol curly bracket का meaning होता है. तो इसका मतलब होता है कि इन दो numbers में कोई भी between में कोई और natural number नहीं है. जैसे आप बोलो 1.2, 1.2, 1 और 2 के बीच में है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है. सो कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आपको दिखा रहे हैं नंबर्स, वही नंबर्स की हम बात कर रहे हैं. ये नेचुरल नंबर्स है, 1, 2, 3 एंड सो. ठीक है बच्चों, तो दीज आर आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर मैं इन नंबर्स के साथ 0 को भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो वो आपके नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स. आई होप पता है सभी को होल नंबर्स. फाइन बच्चों, तो अगर मैं इन नंबर्स के साथ, इन होल नंबर्स के साथ, देखिए डॉट्स, सभी नेचुरल नंबर्स लॉन्ग विद द नेगेटिव साइन ले लेता हूं, तो ये आपके बच्चों बन जाते हैं इंटीजर्स. वंस मोर, तो वी हैव नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर इन नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को इंक्लूड करते हैं, तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं. अगर आप होल नंबर्स के साथ सारे नेचुरल नंबर्स ले लेते हो अलोंग विद नेगेटिव का साइन, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर्स जिनके साथ माइनस का साइन लगा है, तो ये जो पूरा सेट बन गया, ये पूरी कलेक्शन जो है वो बच्चों इंटीजर्स कहलाएगी. तो कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट आर इंटीजर्स, तो आपने बोलना है कि ऑल होल नंबर्स एंड ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद माइनस साइन, तो दीज आर इंटीजर्स. तो इंटीजर्स की तीन कैटेगरी है बच्चों. तो 1 से जब शुरू होते हैं, 1, 2, 3, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइन, तो बच्चों जो 0 से लेफ्ट को है वो होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स. तो 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर, वी हैव 3 कैटेगरीज. 1 इज पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर natural numbers 1, 2, 3 and so on. Other is negative integers. वो क्या है? जितने भी natural numbers हैं, उनके साथ minus का sign डालो. और एक number 0. तो these total set are called integers. Clear सबको? तो बच्चों पढ़ रहे हैं real numbers. तो आज हमने सीखा है natural number क्या है, जो हमने पिछली classes में भी सीखा हुआ है. तो उसको recall कर रहे हैं. Natural numbers. Another name is positive integers. These are natural numbers. When natural numbers include along with 0 is taken, these are called whole numbers. फिर whole numbers के साथ सारे natural numbers ले लो जिनके साथ minus भी लगा हुआ है, that becomes this whole numbers. ये सारे numbers जो हैं वो बन गए integers. Fine. तो हमने बताया integers की तीन categories हैं: positive integers, negative integers और एक simply 0. तो बच्चों आगे हमने पढ़े थे छोटी classes में rational numbers. याद करिए rational numbers, write down the numbers that can be put in the form p by q when q is not equal to 0 and p, q are both integers. Rational numbers, the numbers that can be put in the form P by Q
when q is not equal to 0 and p, q are integers, these are called rational numbers. I hope clear, sabko. Are called rational numbers. Fine. For example, we have 2 by 3. So, kya ye rational number hai? Agar to wo p by q ki form ka hoga. Ye p by q ki form ka hai. P 2 hai, q 3 hai. और p और q integers होने चाहिए. हम already discuss कर चुके हैं integers कौन से होते हैं. ये natural numbers हैं दोनों. तो natural number भी positive integers. तो ये integers हैं. और q denominator 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि division by 0 is not possible. हम किसी भी number को 0 से divide नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये आपका एक rational number है. तो क्या ये rational number है? बिल्कुल है. क्यों है rational number? क्योंकि ये p by q की फॉर्म का नंबर है और दोनों p और q इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है. तो माय क्वेश्चन इज, क्या 1 एक इंटीजर है? क्या 1 एक रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर 1 तभी होगा व्हेन इट कैन बी पुट इन द फॉर्म. तो 1 कैन बी पुट इन द फॉर्म 1 बाय 1. तो 1 को बच्चों लिख सकते हैं 1 बाय 1 क्योंकि अगेन इट इज 1. तो 1 जो ऊपर वाला 1 है वो इंटीजर है, नीचे वाला 1 भी इंटीजर है. तो दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं है. तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है. समझ गए सबको? इन द सेम वे मेरे को बताइए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो बच्चों 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 क्योंकि 0 बाय समथिंग इज अगेन 0. तो 0 इज अगेन अ रैशनल नंबर बिकॉज़ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म p by q. And both p and q are integers. ये दोनों integers हैं. तो इसका मतलब आज हमें पता लगा कि कोई भी number जो p by q की form का होता है, जहाँ उसको p by q की form में लिख सकते हैं, तो that are rational numbers. पर condition क्या है? शर्त क्या है? कि दोनों p और q integers होने चाहिए, जो हम already discuss कर चुके हैं, और denominator 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि division by 0 is not possible. Clear सबको? तो आगे लिखिए. Irrational numbers, irrational numbers. तो एक बात और हमें क्लियर होगी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स भी हैं. क्लियर हो गया ना बच्चों सबको? तो नेक्स्ट वी हैव इरेशनल नंबर्स. तो जैसा कि इसका नाम है, the numbers that are not rational, these are irrational numbers. बेसिकली होता क्या है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे आप 10 by 3 को डिवाइड करते हो, तो बच्चों इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जब इसको डिवाइड करते हो 3 3 9 1, फिर ऐसे 3 3 9 1, तो बच्चों ये चलता जाता है. तो इसकी वैल्यू आती है 3.33 डॉट्स एंड सो ऑन, है ना. तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. 10 by 3 की डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही. नॉन टर्मिनेटिंग मीन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. बट हियर 3 जो है, पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. बट जो कुछ, बट ये 3 है डेसिमल के बाद, रिपीटिंग नंबर है. तो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो बिकॉज़ हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि ये जो नंबर है 3.3 बार, आप इसको बाहर से लिखते हो, याद करिए अगले क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा. तो इस नंबर को हम वापस p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. याद आ गया सबको? कैसे किया था याद करो? x को लिखा था 3.333, फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था. कुछ याद आ रहा है बच्चों? जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया था, फिर दोनों को सबट्रैक्ट किया था, है ना. तो फिर वो आंसर जो है रैशनल नंबर बन जाता है. तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट सम डिजिट्स आर रिपीटिंग, जैसे 3 बार-बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो उसको हम वापस रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो बट नॉट रिपीटिंग हो, रिपीट ना करे, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे प्राइम नंबर्स आपको याद है जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, 2 3. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके दो डिवाइजर्स होते हैं. एक तो वो अपने टेबल पे जाते हैं, ये 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जहां 1 इसको डिवाइड कर रहा है, जिसके दो डिवाइजर्स होते हैं, कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5,
तो बच्चों जब इनकी वैल्यू निकालते हैं वो भी सीखा हुआ है ओके कैसे निकाला था छोटी क्लासेस में स्क्वायर रूट अंडर रूट इसकी वैल्यू होती है 1.414 सोन रूट 3 की 1.731 तो बच्चों ये क्या नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं और कोई भी डिजिट ऐसे एक टाइम पे आके रिपीट करना शुरू नहीं होगा तो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में कोई भी डिजिट ऐसा नहीं मिला जिसके बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट अंडर रूट लेते हैं सर्ट लेते हैं तो दैट इज अ इरेशनल नंबर आई होप समझ आ रही है सबको तो दीज आर रैशनल नंबर्स ओके तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की तो ये सारे नंबर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में अर्लियर क्लासेस में वो रियल नंबर्स हैं ओके सो रियल नंबर्स क्या है तो वी हैव रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट रैशनल नंबर्स एंड अनदर इरेशनल नंबर्स फाइन ओके सो रियल नंबर्स तो बच्चों रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ठीक है तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं प्लस जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे नंबर्स इकट्ठे कर लो एक जगह पे ले आओ वो मिलकर बनते हैं रियल नंबर्स इट मीन अभी हमने बताया रैशनल नंबर्स कौन से सारे इंटीजर्स तो इंटीजर्स में क्या आ रहा है जीरो भी आ रहा है तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं और p by q की फॉर्म के नंबर्स भी आ रहे हैं तो इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं दे कंबाइन फॉर्म आर रियल नंबर्स तो क्या रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं यस बिकॉज रियल नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड रियल नंबर क्या होते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स तो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को प्लस कर दीजिए इकट्ठा कर लीजिए तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाएंगे तो इसका मतलब सारे रियल रैशनल नंबर्स जो हैं वो भी रियल नंबर्स हैं सारे इरेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स हैं तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर्स हैं मैटर ये था कि हमें पता होना चाहिए सब कि ये नंबर्स होते कौन से हैं तो आज हमने ये सीखा कि मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स आई होप क्लियर है सबको तो रियल नंबर्स मीन ऑल रैशनल नंबर्स इंक्लूडिंग विद ऑल इरेशनल नंबर्स दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स तो बच्चों आज की क्लास में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिलेबस कंटिन्यू कराऊंगा आई होप समझ आई सबको थैंक यू वेरी मच